अपने विधायक पद से इस्तीफा दे चुके वेद प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। वेद प्रकाश जी, आप इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन स्पीकर उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? आज आपको बुलाया गया था, ये तो जी आप स्पीकर साहब से पूछ सकते हो। मैं तो अपना इस्तीफा परसों ही दे चुका हूँ। हाँ। जो मेरा फाइनल डिसीजन है, अपने विवेक से मैंने डिसीजन लिया है, पब्लिक के हित में मैंने डिसीजन लिया है, ताकि पब्लिक का कुछ भला हो सके। और अब वापस 2 घंटे आप वहाँ पे रुके, हमें लगा कि वापस तो नहीं जाने की सोच रहे। नहीं नहीं, वो तो उन्होंने जानबूझ के कि भाई ये कर दो वो कर दो, भाई देख लो सोच लो समझ लो ये कर लो। माँ जी मैं तो फाइनल डिसीजन लेता, मैं मेरा आपको मनाने की कोशिश कर रहे थे वो तो जी 2-3 दिन से लगे वैसे भी। अच्छा, लेकिन मैं कोई बच्चा थोड़ा हूँ, मैं अपने दिमाग से फैसले लेता हूँ, मैच्योरिटी से फैसले लेता हूँ। आपने कहा नहीं ये काम तो पहले कर लेना चाहिए था? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इनको बोल दिया कि भाई अगर तुम पब्लिक का साथ देते, सुनते पब्लिक का दुख दर्द सुनते, तो हमें ये स्टेप क्यों उठाना पड़ता। क्या आपको कोई ऑफर्स दिए जा रहे हैं? ऑफर तो मेरे को शुरू से दिए जा रहे हैं कि मंत्री बना देंगे, फलाना दे देंगे। मैं किसी चीज़ का भूखा थोड़ा हूँ। जहाँ मंत्री तो बन जाइए। नहीं नहीं, मैं क्या समझूँ मंत्री को, पब्लिक का नौकर हूँ भाई मैं। मेरे को पब्लिक ने बनाया था काम करने के लिए, मंत्री बनने के लिए सूट वूट पहनने के लिए नहीं बनाया था। तो पब्लिक को मैं क्या जवाब दूंगा मैं? मुझे शर्म आने लगी इन लोगों के साथ रहने में। घोषणाएं तो हज़ारों करते हैं, काम 10 नहीं हो रहे ज़मीन पे। क्या मुझे, मैं अपने कंधे पर अपनी लाश लेके घूमता रहूँ ऐसे ही? नहीं, मेरे बस जो स्टेप उठाया, बाकी विधायक भी चाह रहे हैं लेकिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, आप बता रहे थे। विधायक तो 30-35 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल डेड हैं, जो कि ये तो चाह रहे कि हम छोड़ दें, लेकिन सदस्यता से उनको बहुत प्यार है। राजेश ऋषि ने भी ऐसे ही कुछ बताया। सर देखो, ये नहीं क्या राज कोई हिम्मत कर जाता बोलने की? यहाँ तो कम से कम 40 ML ऐसे हैं तो उनको बार बार डांटा जाता है, धमकाया जाता है, कुछ उनकी सुनवाई नहीं होती। यहाँ आपको अंदर का सीन नहीं पता कैसे चलती इनकी मीटिंग है, हमें पता उन चीज़ों का। आखिरी प्रश्न, स्वीकार नहीं करेंगे इस्तीफा, आपके पास अब ऑप्शंस क्या हैं पॉलिटिकली? मुझे कुछ भी मतलब नहीं, मैं छोड़ चुका हूँ तो छोड़ चुका हूँ बस। मुझे ये तो मंत्री तो क्या, मुझे सड़क का राज भी दे, मैं तो भी उल्टा नहीं आ सकता। मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ ना, मैं फिर पीछे नहीं हटता कभी भी। ठीक है, वेद प्रकाश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्पीकर ने उन्हें मनाने की कोशिश की, कई लोग उनके प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में अब 1 घंटा भी रुकना नहीं चाहते। कैमरामैन सुनील के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।